अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सभी केसेस इस वीडियो में बेटा हमने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और एक टाइप की एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर ली आज हम फिर से डिस्कस करेंगे वो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की स्लाइड बनाई है तीन पार्ट्स में ब्रेक किया है हालांकि है चार पार्ट्स बट दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं इसलिए वो दोनों पार्ट्स मैंने एक साइड पे लिख लिया और सी और डी आज हम कवर करेंगे मैं आपको समझाती हूँ मैंने यहाँ क्या लिखा है जब टोटल कैपिटल गिवन होती है न्यू फर्म की और तब आप क्या करते हैं आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है न्यू फर्म की कितनी कैपिटल है यहाँ मैं अभी आपको सिर्फ रीड कर कर बता रही हूँ मैंने अगली स्लाइड्स में इसके क्वेश्चंस बनाए हैं जहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब टोटल कैपिटल गिवन है न्यू फॉर्म की तो क्या करना है जब टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है तो क्या करना है बच्चे आपको यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जब रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है और अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे इस मैनर में ताकि उनकी कैपिटल प्रपोर्शन हो जाए किस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल अमाउंट लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में क्या करनी है प्रपोर्शन यहाँ पर सिर्फ उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में प्रपोर्शन करनी है यहाँ पर कैश भी ब्रॉड करना है और कैपिटल को भी न्यू रेशो में करना है और यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है जो अमाउंट वो रिमेनिंग पार्टनर ऐसे लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल भी प्रपोर्शन हो जाए और एक कैश बैलेंस भी उनको मेंटेन करना है तो मैं इस कैटेगरी को नाम दे रही हूँ ए इस कैटेगरी को नाम दे रही हूँ बी इस कैटेगरी को मैं बोल रही हूँ सी यहाँ पर ए कैटेगरी में सिर्फ उनकी कैपिटल ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रपोर्शन करना है उन्हें बी केस में कैपिटल को भी प्रपोर्शन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्लस अमाउंट भी ब्रॉड करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रिटायरिंग uh, पार्टनर को पे करने के लिए और यहाँ पर एक बात और एडिशन हो रही है यहाँ पर कैपिटल को भी न्यू रेशियो में प्रपोर्शन करना है अमाउंट भी ब्रॉड करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए और एक कैश बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है तो ए पार्ट में सिर्फ कैपिटल को न्यू रेशियो में प्रपोर्शन करना है बी पार्ट में ए पार्ट का काम करना है प्लस अमाउंट भी ब्रॉड करना है रिमेनिंग पार्टनर्स को रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए और सी पार्ट में कैपिटल को भी प्रोपोर्शन करना है अमाउंट भी ब्रॉड करना है और कैश बैलेंस भी मेंटेन करनी है बेटा इन तीन एडजस्टमेंट के अलावा आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखेगी कैपिटल से रिलेटेड आपको जो एडजस्टमेंट करनी है यहां पर कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है यहां पर कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है प्लस अमाउंट भी ब्रॉड करना है रिमेनिंग पार्टनर ने यहां पर कैपिटल को भी प्रोपोर्शन करना है अमाउंट भी ब्रॉड करना है प्लस कैश या बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है तो इन चारों केसेस की मैं एक एक कर आपको डिटेल समझाती हूं आज की वीडियो में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही सीखना है बेटा देखो फर्स्ट केस आप देख लीजिए मैं आपको हर केस के बाद स्लाइड दिखाऊंगी जब टोटल कैपिटल गिवन होगी किसकी न्यू फॉर्म की तो कैसे चलते हैं देखिए बेटा यहां पर मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखा है और राइट बेसिकली हमें फोकस करना है किस पर कैपिटल की एडजस्टमेंट में तो बाकी काम मैंने आपके लिए कर दिया ये देखो यहां पर मैंने बैलेंस उतारा कोई दिक्कत नहीं है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया रिवैल को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल की एंट्री करी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था डेबिट साइड बांट दिया ये बैलेंस आ गया बेटा आप लोग अच्छे से जा, जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको सबसे पहले बैलेंस उतारो फिर बैलेंस शीट के आइटम्स बांटो फिर रिवैलुएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो और बच्चे फिर आप गुडविल का एंट्री करो तो यहां तक मैंने आपके लिए कर दिया काम ठीक है बेटा अब ये पढ़ो नीचे क्या गिवन है डेटा एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड वी बिल एट सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर टोटल कैपिटल न्यू फर्म की क्या है गिवन है कितनी गिवन है मेरे बच्चे थाउजेंड तो फर्स्ट केस आपको समझ आ रहा है वेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन इट इज सिक्सटी थाउजेंड ठीक है जो आपको पवन और राम में डिस्ट्रीब्यूट करनी है थ्री बाय फोर्थ और वन बाय फोर्थ आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट जो एक्चुअल कैश आपको लेकर आना है या पे करना है ऑल राइट right, बच्चे तो यहां पर सिक्सटी थाउजेंड की कैपिटल को इस रेशियो में ब्रेक करना है ध्यान रस से मेरी बात सुने यहाँ न्यू रेशियो नहीं गिवन है सिर्फ कैपिटल को प्रोपोर्शन करने के लिए गिवन है तो आप इसको न्यू रेशियो ना माने जब तक यहाँ पर न्यू रेशियो ना बोल रखा हो ठीक है तो आप इसमें कैसे चलेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर बैलेंस उतार रही हूँ और राइट बेटा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो सब आपने पहले सीख लिया है ट्वेंटी सिक्स एट हंड्रेड का बैलेंस है थर्टी एट एट हंड्रेड का बैलेंस है थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड का बैलेंस है उतार लिया अब मैं यहां पर इसकी एडजस्टमेंट सिखा रही हूं आपको क्या करना है सिक्सटी थाउजेंड की कैपिटल को न्यू रेशियो में क्या करना है ब्रेक। ब्रेक वो मैं कर रही टोटल कैपिटल उसने क्या बोली सिक्सटी थाउजेंड किस में बांट दो पी और आर में बेटा इस क्वेश्चन में क्यू रिटायर हो रहा है ऑल राइट right. किस रेशियो में थ्री बाय फोर्थ वन बाय फोर्थ अगर थ्री बाय फोर्थ लूंगी तो कितना हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड का वन फोर्थ ले तो कितना हो गया बच्चे फिफ्टीन थाउजेंड ऑल राइट बच्चे ये कैपिटल आपको बनानी है तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस सी डी पी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए फोर्टी फाइव फिफ्टीन अब क्या किया बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर कर लिया इसकी कैपिटल ट्वेंटी सिक्स एट हंड्रेड थी होनी चाहिए फोर्टी फाइव थाउजेंड ये कैश लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट कितना लेकर आएगा एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड बेटा इस क्वेश्चन में बैंक गिवन था तो आप भी एंट्री किससे करेंगे बैंक से यहाँ पर इसकी कैपिटल थर्टीन फोर हंड्रेड है होनी चाहिए कितनी फिफ्टीन थाउजेंड ये सिक्सटीन हंड्रेड और कैश लेकर आएगा और ये बता रखा है रिटायरिंग पार्टनर को फाइव थाउजेंड कैश में पे कर दो और बाकी लोन अकाउंट में तो वो भी हम कर देते हैं टू बैंक अकाउंट फाइव थाउजेंड पे कर दो बाकी के किस में ट्रांसफ़र कर दो लोन अकाउंट में ऑल राइट right बेटा ये तो पुरानी ही चीज़ है ये बात हमने सीख ली है सिक्सटी थाउजेंड की कैपिटल गिवन थी न्यू रेशियो में ब्रेक किया पुरानी कैपिटल से क्या कर लिया कंपेयर कर लिया तो ये एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई ए पॉइंट की व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल देन डिवाइड टोटल कैपिटल इन दिस प्रोपोर्शन थर्ड कंपेयर द एग्जिस्टिंग कैपिटल विद न्यू कैपिटल अमाउंट में बी ब्रॉट इन और विद्रॉल बाय द पार्टनर ऑल राइट बच्चे फर्स्ट तो एडजस्टमेंट आपको समझ में आई शेल बी प्रोसीड टू सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा जब न्यू कैप फॉर्म की कैपिटल नहीं गिवन और टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की ही आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करनी है तो क्या करेंगे यहां पर मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है बेटा आपके लिए क्या गिवन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले से ही बना रखा है मैंने क्योंकि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबसे पहले हमने क्या किया बैलेंस उतारा गुडविल का ट्रीटमेंट किया रिवैल्युएशन का लॉस बांटा और रिटायरिंग पार्टनर की जैसे पेमेंट करी थी वो करती बेटा आप ये ऊपर भी कर सकते हो या नीचे लाकर भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मेन तो एडजस्टमेंट सीख रहे हैं आप पढ़ो क्या कह रखा है एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट दे आर कैपिटल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल किसमें आपको ब्रेक करनी है न्यू रेशियो में ठीक है अब की बार फर्म की कैपिटल नहीं गिवन टोटल कैपिटल निकालनी है किसके बेसिस पर रिमेनिंग पार्टनर्स के बेसिस पर तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाकर क्या कीजिए इनके एडजस्टेड बैलेंस निकाल लीजिए अब लिखिए आप टोटल कैपिटल एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 72 900 प्लस सिक्सटी टू कितना हो गया 135. न्यू रेशियो में ब्रेक कर दीजिए एक्स और वाई ये लिखा है बेटा मैंने यहाँ न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन था ये 135 थर्टी फाइव इंटू फाइव बाई वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू फोर बाय नाइन ये आ रहा है मेरे पास सेवेंटी फाइव थाउजेंड और इट कम टू बी सिक्सटी थाउजेंड ठीक है बेटा यहाँ मैंने बैलेंस उतारा बाय बैलेंस पी डी सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू वन हंड्रेड जेड की पेमेंट हमने ऊपर कर दी होना कितना चाहिए था टू बैलेंस सी डी एक्स का सेवेंटी फाइव थाउजेंड होना चाहिए था वाई का सिक्सटी थाउजेंड होना चाहिए था बेटा क्वेश्चन में बैंक बैलेंस गिवन है तो एंट्री बैंक से करेंगे इधर देखो बेटा रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल आपने ऐड कर कर न्यू रेशियो में बांट दी अब इन दोनों को कंपेयर करो सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड है होना चाहिए था कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो बेटा मैं और पैसा लेकर आएंगे बाय बैंक कितना डिफरेंस ट्वेंटी वन हंड्रेड सिक्सटी टू वन हंड्रेड थी होनी कितनी चाहिए सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर कैपिटल एग्जिस्टिंग ज़्यादा है इसीलिए पार्टनर क्या कर लेगा विड्रॉ कर राइट right, बेटा तो यहां पर हमने सेकेंड पॉइंट कवर किया जब टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में बांटना है तो आप सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालिए एडजस्टेड कैपिटल को आप ऐड कर न्यू रेशियो में ब्रेक कर दीजिए एग्जिस्टिंग से क्या कीजिए कंपेयर बेटा ये दोनों पार्ट हम पहले भी कवर कर चुके हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको ये दो पार्ट फिर से रिमाइंड कराए प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन ये थर्ड में मैंने फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके रखे हुए आपके लिए अब यहां पर मैं फिर से स्लाइड दिखाती हूँ आपकी पढ़ो मेरे साथ वेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द मैनर टू मेक देअर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहाँ पर दो बातें छुपी हुई हैं पहले तो रिमेनिंग पार्टनर कैश लेकर आएंगे इतना कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट हो जाए और दूसरी बात क्या है कि उनकी कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में प्रपोशन करना है अगर इतनी बात होती तो ये केस बन जाता अब दो बातें हैं तो ध्यान से सीखना है कैसे हो बेटा यहां पर मैंने क्या कर रखा है बैलेंस उतारा सबसे पहले ये हमारा 50 बी के फैक्ट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर अगर आपको देख आप लोग कर रहे हो वहां तो चेक कर सकते हैं फिफ्टी बी क्वेश्चन है ये मैंने सबसे पहले इनका बैलेंस उतारा बैलेंस शीट में रिजर्व था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल का ट्रीटमेंट किया रिवैलुएशन का प्रॉफिट बांट दिया यहां पर मैंने तीनों पार्टनर्स का बैलेंस उतारा एडजस्टमेंट गिवन थी क्यू रिटायर हो रहा है मेरे बच्चे क्यू वॉस टू बी पेड थ्रू कैश वहाँ पर लैंग्वेज ये नहीं थी वहां पर सिर्फ ये थी कि कैपिटल को प्रपोर्शन कर दो बट यहां पर क्या कह रहा है कि क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉड इन बाय पी एन आर इन सच अ वे कि उनकी कैपिटल भी प्रपोर्शन हो जाए किसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा यहां पर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्योंकि लिखा हुआ है वहां पर जो मैंने आपको थ्री फोर्थ और वन फोर्थ वाला क्वेश्चन कराया था वहां पर नहीं लिखा था वहां कैपिटल के लिए ही वो रेशियो यूज किया हुआ है ऑल राइट right, बेटा तो दो चीजें हैं कैश ब्रॉड करे इस तरीके से कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए प्रोपोर्शन हो जाए दो बातें तो ध्यान से देखना क्या डिफरेंस आएगा ऐसे केस में आपको टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म तीनों की कैपिटल को क्या करेंगे ऐसे केस में आप ऐड करेंगे जब वर्डिंग्स क्या लिखी हैं कि इतना कैश लेकर आए कि आर की क्या हो जाए क्यू की क्या हो जाए पेमेंट हो जाए तो उसकी कैपिटल को भी इसमें ऐड करना है ठीक है तो यहां पर कितना कैपिटल आ गई फोर्टी फाइव थाउजेंड इस फोर्टी फाइव थाउजेंड को पी और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में न्यू रेशियो में थ्री बाई फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टू बाई फाइव इट्स कम्स टू बी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड इट्स कम्स टू बी एटीन थाउजेंड ऑल राइट मैम ये बताओ आपने इसकी कैपिटल को क्यों प्लस किया जिसकी रिटायरमेंट हो रही है क्योंकि क्यों प्लस किया आपने क्योंकि इसकी पेमेंट करनी है तो उतना अमाउंट मुझे लेकर आना है इसलिए यहां पर तीनों की कैपिटल ऐड करी और न्यू रेशियो में क्या कर दिया डिवाइड होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वहां पर मैंने Q की कैपिटल ऐड नहीं की थी जिनकी कैपिटल प्रोपोर्शन करनी थी वही ऐड करी थी यहां पर मुझे इस पार्टनर की पेमेंट करनी है इसलिए मैंने इसकी कैपिटल को भी ऐड किया अब बेटा मैं बैलेंस उतार रही हूं बाय बैलेंस बी टी ट्वेंटी एंड फिफ्टी ठीक है बेटा अब इसकी कैपिटल कितनी बनानी है आपको ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और है कितनी ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड तो बेटा और कैश इसको लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा बैंक आ रहा है तो मैं बैंक से एंट्री कर रही हूँ बाय बैंक ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड इसकी कैपिटल है और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बनानी है मेरे बच्चे तो आपको यहाँ पर कितना कैश लेकर आना पड़ेगा फिफ्टी फोर हंड्रेड इसकी पेमेंट करनी है इसको कंपेयर करो 18,000 थाउजेंड बनानी है इसकी कैपिटल है कितनी सिर्फ फिफ्टी सिक्स हंड्रेड तो ये 12,400 फोर हंड्रेड लेकर आएगा अब ध्यान से सुनो बेटा फिफ्टी फोर हंड्रेड पी लेकर आएगा 12,400 फोर हंड्रेड आर लेकर आएगा तो टोटल कितनी हो गई मेरे बच्चे 17,800 थाउजेंड एट हंड्रेड ये अमाउंट की पेमेंट के बराबर आएगा इतना कैश लेकर आना इन दोनों को कि इसकी क्या हो जाए पेमेंट तो इन दोनों का टोटल इसकी पेमेंट के बराबर आना चाहिए अब मेरे बच्चे क्यू की क्या कर दो पेमेंट टू बैंक अकाउंट कितना सेवेंटीन एट हंड्रेड ऑल राइट और बाकी क्या उतार लो इन दोनों का बैलेंस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कैपिटल हो गई इसकी और इस पार्टनर की एटीन थाउजेंड ऑल राइट कैन यू एबल टू डिस्टिंग प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर टोटल कैपिटल को न्यू प्रोपोर्शन में करना था तो आपने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को नहीं उठाया यहाँ रिटायरिंग को पेमेंट करनी है और कैपिटल भी प्रोपोर्शन करनी है तो आपने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल उठाई तीनों को ऐड कर, कर न्यू रेशियो में बांट दिया कंपेयर किया एग्जिस्टिंग से ये दोनों जितना कैश लेकर आएंगे वो इसकी पेमेंट के बराबर आना चाहिए ये मेरा सी पार्ट कवर हो गया कैश ब्रॉट करेगा इस तरीके से ताकि उनकी कैपिटल क्या हो जाए प्रपोर्शन हो जाए कैश ब्रॉट करने के बारे में लिखा हो तो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करो और न्यू रेशियो में क्या कर दो मेरे बच्चे ब्रेक कर दो और पुरानी कैपिटल से कंपेयर करो जितना कैश पी और आर लेकर आएंगे वो क्यू की पेमेंट के बराबर होना चाहिए ऑलराइट राइट स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ कम टू लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो सब लोग मेरे साथ व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच अ मैनर उनकी कैपिटल क्या हो जाए प्रपोर्शन मैम यहाँ तक तो आप बिल्कुल सेम पहली वाली बात है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर क्या लेकर आ रहे हैं कैपिटल लेकर आ रहे हैं और साथ में उनकी कैपिटल भी क्या हो रही है प्रपोर्शन मैम ये दोनों पॉइंट तो सेम है ऐसे केस में तो हमने सीखा है अभी कि तीनों की कैपिटल को एड कर, कर न्यूरेशन में डिवाइड कर दो एग्जिस्ट जो पार्टनर बचे हैं उनमें बट यहां पर फोकस किस पर कर रही हो मैं ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस क्वेश्चन में ये बता रखा होगा कि आपको इतना कैश बैलेंस भी क्या करना है मेंटेन करना है ठीक है बेटा एक एडिशन और हो गया तो मैं आपको सिखाती हूं अगले क्वेश्चन में ये बात ऑलराइट? राइट right? देखो बेटा यहां पर मैंने फिर एक क्वेश्चन के फैक्ट्स उतारे हैं आपको एडजस्टमेंट समझाने के लिए सबसे पहले बैलेंस उतार लिया प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आ रहा था उतार लिया गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी रिवैलुएशन का लॉस बांट दिया बैलेंस आ गया ये सब आपको करना आता है द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स एंड वाई एक्स पेड टू एक्स बाय वाई एंड जी इन सच अ वे डैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शन टू देअर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अमाउंट पे करना है एक्स को वाई और जी को इस तरीके से कैपिटल डिवाइड करनी है कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शन हो जाए न्यू रेशियो में बेटा यहाँ पर मैं इस चीज़ को हाइड कर रही हूँ क्या करते अब आप मैम हम क्या करते तीनों की कैपिटल को उठा लेते ठीक है बेटा एक्स की पेमेंट करनी है y और z पैसा लेकर आएंगे और हम इसे क्या कर देते न्यू रेशियो में ब्रेक कर देते y और z की कैपिटल को कंपेयर कर लेते और जितना जी कैश लेकर आते उतना एक्स की क्या हो जाती पेमेंट हो जाती बट यहाँ पर मैंने एक बात और लिखी है कि आपको पंद्रह हजार का बैलेंस भी मेंटेन करना है अपने बैंक अकाउंट में ऐसे के लिए आपको क्या करना है ठीक है बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट थी कि एक क्लेम पे करना था एट थाउजेंड का फोर्टी थाउजेंड का बैंक बैलेंस है तो मैं यहां पर देख रही हूं फोर्टी थाउजेंड में से एट थाउजेंड तो आपको क्लेम पे करना है तो आपका बैंक बैलेंस थर्टी टू थाउजेंड होगा ऑलराइट right, बेटा ये एडजस्टमेंट अलग है बट मैं आपको यहां पर मुझे बैंक बैलेंस यूज करना है तो इसमें आपको पहले एडजस्ट कर रही हूं ठीक है ऐसे केस में क्या करना है इधर देखो बेटा ध्यान से अमाउंट कितना एक्स को पे करना है ये एक्स को पे करना है प्लस वाई और जी की कैपिटल भी क्या कर लीजिए एड अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में यही समझाया अगर एक्स को पेमेंट करने के लिए वाई और जी लेकर आ रहे हैं तो तीनों की कैपिटल को पहले क्या कर लो एड यहां तक का काम कॉमन है ऑल राइट right. अब जितना बैलेंस रखना है रिक्वायर्ड कैश बैलेंस जितना रखना है वो इसमें और एड कर लो कर लिया बेटा और जितना ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है वो क्या कर दो माइनस क्योंकि उसे यूज करेंगे ऑल राइट right, क्या किया मैंने पहले तीनों की कैपिटल एड कर ली क्यों करी क्योंकि मुझे एक्स की पेमेंट के लिए वाई और जी से पैसा मंगाना है तो एक्स की कैपिटल को भी मैंने इंक्लूड कर लिया ठीक है अब जितना कैश आपको मेंटेन करना है वो और इंक्लूड कर लो और जितना कैश आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या कर दो माइनस ऐसा करने से ये अमाउंट आ रहा है वन लैक नाइन्टी सेवन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ऑल राइट मैं यहां लिख रही हूं वन नाइनटी सेवन फाइव हंड्रेड इसे वाई और जी में न्यू रेशो में क्या कर दो प्रपोर्शन कर दो क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है बेटा टू इसइट right. तो ये आएगा आपके पास सेवेंटी नाइन थाउजेंड का और ये आएगा वन लैख एटीन थाउजेंड टेन फाइव हंड्रेड ठीक है बेटा मैं यहाँ पर बैलेंस उतार रही हूँ रिमेनिंग पार्टनर्स के बाय बैलेंस पी डी वन लैक नाइन्टी सेवन फिफ्टी सेवेंटी सेवन एट फिफ्टी एंड सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब आप कंपेयर करो बेटा अब आप कंपेयर करो यहाँ पर मुझे कैपिटल एक्स की कितनी गिवन है वन नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी जिसकी मुझे पेमेंट करनी है वाई की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए सेवेंटी सेवन एट फिफ्टी थी हो कितनी जानी चाहिए सेवेंटी नाइन थाउजेंड तो ये पैसा लेकर आएगा डिफरेंस बाय बैंक अकाउंट सेवेंटी नाइन थाउजेंड माइनस सेवेंटी सेवन एट फिफ्टी वन वन फाइव जीरो इसकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए वन लैख एटीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड और ऑलरेडी है कितनी है? सिर्फ सिक्सटी नाइन हंड्रेड तो ये भी और कैश लेकर आएगा वन हंड्रेड वन सिक्स हंड्रेड और राइट बेटा वन लैख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये कैश लेकर आएगा और राइट right. अब क्या कर दो बच्चे वाई की पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट एक्स की पेमेंट सॉरी एक्स की पेमेंट हो गई और राइट right, बच्चे बाकी का क्या उतार लो बैलेंस इसकी कैपिटल कितनी हो गई सेवेंटी नाइन थाउजेंड वन लैख एटीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड और राइट अब मुझे ये बताओ अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो कितना बैलेंस बैंक में आएगा बैंक में बैलेंस आएगा बच्चे कितना आपको फिफ्टीन थाउजेंड जो मेंटेन करना है और राइट right. एक्स और वाई इतना पैसा लेकर आएंगे कि इसकी क्या हो जाए पेमेंट हो जाए ऑलराइट? राइट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन क्या किया मैंने मैं फिर से बताती हूँ एक्स की पेमेंट करनी थी कुछ कैश अपने पास रखना था ऑलराइट? राइट right. तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में सबसे पहले तीनों की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऐड करी उसमें जो कैश रखना है वो ऐड किया जो ऑलरेडी बैलेंस था वो यूज़ कर लो माइनस किया अब इनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में आपने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया पार्टनर की कैपिटल से एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करा ये कैश इतना होगा कि इसकी पेमेंट भी हो जाए और साथ में बच्चे पेमेंट के साथ में क्या हो फिफ्टीन थाउजेंड का कैश भी मेंटेन हो जाए ऑलराइट होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट चले बेटा समअप करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड में दिखाया था कि हमारे पास चार केसेस हैं और राइट अगर टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म की गिवन है तो उसे न्यू रेशियो में ब्रेक करो और एग्जिस्टिंग कैपिटल पार्टनर जो पार्टनर रिटायर होने के बाद बच रहे हैं उनसे कंपेयर कर लो टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर के बेसिस पर करना है तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल करो न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो एग्जिस्टिंग से कंपेयर कर लो जब रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए रिमेनिंग पार्टनर को कैश लाना है और कैपिटल भी प्रपोर्शन करनी है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करो और न्यू रेशियो में क्या कर दो डिवाइड कर दो और एग्जिस्टिंग कैपिटल से क्या करो कंपेयर करो थर्ड पार्ट में हमने देखा जब रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए रिमेनिंग पार्टनर को कैश लेकर आना है कैपिटल को भी प्रपोर्शन करना है और इतना कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है ऐसे केस में ध्यान से सुनो सबसे पहले तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करो प्लस जो मेंटेन करना है कैश बैलेंस वो टोटल करो माइनस जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ है उसे उसमें से हटा दो और न्यू रेशियो में क्या करो डिवाइड कर दो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से उसे कंपेयर करो वो इतना कैश लेकर आएंगे कि पार्टनर की पेमेंट हो जाए और साथ में बेटा क्या हो आपके पास उतना बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए तो यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की सब पार्ट्स कवर कर लिए कल की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और राइट स्टूडेंट बेटा आपकी यूटी है नाइन्थ ऑफ मे से और फिफ्टीन मे को आपको अकाउंटेंसी का यूटी है जिसका सिलेबस मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी और राइट स्टूडेंट तो यहाँ पर तक आप प्रैक्टिस करो यहाँ जो आज मैंने कराया है और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और राइट स्टूडेंट डू हार्ड वर्क